गूगल पे भी दिखा रहा है, बाकी हमने एक दो लोगों से पूछा भी है तो उन्होंने भी बताया है कि ये रास्ता जाता है। बट इशू ये है कि क्या वो आंटी भूत थी, और हॉरर भी है क्योंकि एकदम अंधेरा हो रहा है और आसपास ऐसे जंगल टाइप का है। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है यार, यहाँ से अलग ही व्यू है, पूरा शहर दिखता है यहाँ से, और इवन अगर रात में तो और भी प्यारा दिखता होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विक्टर मोटरिंग, और मैं हूँ आपका होस्ट अनुज। तो आज एक नए एपिसोड या फिर एक नई सीरीज के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, और बेसिकली ये वाला ट्रिप हमारा विद फैमिली रहेगा, फैमिली वाला ट्रिप है। तो उदयपुर जा रहे हैं, और यहाँ से उदयपुर है अराउंड 649 किलोमीटर्स। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, कब तक पहुँचते हैं, बाकी आपको अपडेट देते रहेंगे। गाइस फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, तो फाइनली इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ बड़ा तीर नहीं मारा, अभी अभी निकले ही हैं बस। तो अभी पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं और अपना डीजल हम फुल करवा रहे हैं क्योंकि बहुत दूर जाना है, मे बी जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है वहाँ से होते हुए जाएंगे। तो गाइस हमने डीजल डलवा लिया है और टाइम हो रहा है 11:26 और हम निकल चुके हैं सुनसान रास्तों पर, और ये बेसिकली एक बाईपास तरीके का है जो कि हमें सीधा हाईवे से जोड़ता है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे जो है हमारा, वो बेसिकली यहाँ से फरीदाबाद से रास्ता जाता है और वो भी बन रहा है यहाँ से बल्लभगढ़ से, वो वाला हाईवे पकड़ेंगे जो हमें सीधा सोना ले जाएगा, फिर सोना से हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे तो जो दौसा तक जाता है, और दौसा के बाद फिर हमें शिफ्ट होना पड़ेगा जो कि कोटा, आई थिंक वो कोटा एक्सप्रेसवे है कुछ। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ से जो फरीदाबाद का जो कनेक्टिविटी है ना, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, तो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये बेसिकली बल्लभगढ़ में पड़ती है एक एरिया, और फिर यहाँ से जब ये स्टार्ट होता है, वैसे तो ये सीधा पीछे तक नोएडा जाएगा, बाकी अभी ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये अब आपको सीधा मुंबई ले जाएगा, मगर अभी बना नहीं है पूरा। आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने बताया है उसमें कि ये कहाँ तक बना है, ये बेसिकली दौसा तक बना हुआ है, तो वहीं तक जा सकते हैं। बाकी यहाँ से बहुत अच्छी रोड्स आ जाती हैं अभी तक, थोड़ा बहुत क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बंद पड़ा हुआ है, बाकी यहाँ से एकदम स्मूथ राइड हो जाती है आपकी। तो देखते हैं जर्नी कैसी रहती है, पहली बार जा रहे हैं। गाइस बेसिकली ये पहला टॉल आ गया है, अभी तक आया नहीं है एक्चुअली, जलगा के आ गया। तो गाइस फाइनली हम थोड़ा सा ब्रेक के लिए रुके थे यहाँ पे चाय वाय पीने के लिए, बाकी भूख भी लग रही थी यार क्योंकि घर से कुछ खा के नहीं निकले थे। तो अभी हम यहाँ से निकले हैं रेस्ट रूम से, और अब जाएंगे, अब सीधा सोच रहे हैं दौसा में कहीं रुकेंगे जहाँ से ये हाईवे छोड़ेंगे हम। तो यहाँ पे खाने वाने का तो है काफ़ी, थाली वाली मैंने देखा था कि लोग थाली ले रहे थे, और बाकी चीज़ें भी थी यहाँ पे, काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन वॉशरूम यार बहुत छोटे छोटे हैं। इसका मैंने ऑलरेडी एक रिव्यू दे चुका हूँ अपने पिछले वाले वीडियो में जिसमें मैंने पूरा हाईवे का रिव्यू किया था, तो उसमें यही था कि यार वॉशरूम इसके छोटे ही हैं, तो मैं बेल्ट लगा लेता हूँ फिर बात करता हूँ। तो गाइस अभी तक का हमारा सफ़र बिल्कुल सही रहा है, आराम से आ रहे थे, नींद भी नहीं आ रही है, तो धीरे धीरे चल रहे हैं और मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। रेस्ट रूम पे रुके थे और बस ठीक है, स्मूथ राइड है, मतलब एटलीस्ट दौसा तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी हाईवे की, बाकी उसका हाईवे का पता नहीं उसके बाद का क्या रहेगा, तो जैसा होगा रिव्यू बताते। अभी फ़िलहाल हो रहा है टाइम 1:00, तो 1:00 तक हम यहाँ पे पहुँचे हैं। जगह का नाम है भैयारी, भैयारी पहुँचने में हमें 1.5 घंटा लग गया, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। बाकी स्पीड लिमिट आराम से चल रहे हैं, 120 की स्पीड लिमिट है, उससे ज़्यादा ना चलाएं, क्रूज़ कंट्रोल लगा लें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, आपको ओवर स्पीडिंग नहीं करने देता और आपका चलान भी बचाता है, तो
हजार का चलाना है 2000 का। तो गाइस हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं और बेसिकली अभी हमने दौसा वाला कट क्रॉस किया है। दौसा के लिए जो कट आता है वो हमने क्रॉस कर लिया है। पहले मुझे लगता था कि ये सिर्फ दौसा तक बना हुआ है, ये उससे आगे तक बना हुआ है ये हाईवे। तो अब देखते हैं उससे कितना किलोमीटर आगे तक बना हुआ है जहाँ से हम अपना कट लेंगे। ठीक है जी, हम जा रहे हैं उदयपुर और मज़ा आ रहा है, मौसम अच्छा है, हल्का हल्का, मतलब मौसम के रात में तो कुछ पता नहीं चल रहा है, बट हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं तो दिल को थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। और बाकी वहाँ देखते हैं कैसा मौसम रहेगा जहाँ जाना है। बाकी आप ये पढ़ ही सकते हैं, रतलाम है 414, कोटा, निवाई और लालसोट, तो पॉज करके पढ़ लेना गाइस। और हम लोग अपना रात का सफ़र पूरा करते हुए सुबह तक पहुँच जाएंगे। गूगल में तो बता रहा है कि 10 बजे तक पहुँचेंगे, बट देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। थोड़ा अब ब्रेक लेंगे थोड़ा टाइम बाद, जब ये हाईवे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद देखते हैं। अगर कुछ अच्छा सा ऑप्शन मिलता है तो आपसे भी शेयर करेंगे कि कुछ अच्छा रेस्टोरेंट या ढाबा टाइप का कुछ अगर पड़ता है तो। तो जी फाइनली हमने अपनी जर्नी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ख़त्म कर ली है, तो यहीं तक ये जाता है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि आगे बंद है रास्ता और हमें यहीं से कोटुन करके जगह है, यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है। तो गाइस जैसा कि मैंने कहा था कि ये यहीं तक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैरियर्स लगे हुए हैं, इसके आगे तक अभी बना नहीं है ये हाईवे। बना तो हुआ है लेकिन शायद जाने नहीं दे रहे, तो जो भी है हम अपना यहाँ से मुड़ गए हैं, कोटुन करके की जगह है, यहाँ से हम मुड़ गए हैं। बाकी अब धीरे धीरे ये हाईवे बन रहा है, तो जैसे जैसे बनेगा तो फिर एक दिन आपको मुंबई भी लेके चलेंगे, ये हमारा वादा है। तो गाइज अभी मेरे पास मैसेज आया है पेटीएम का, जो फास्टैग से फास्टैग से लिंक्ड है, तो उसमें 430 रुपये कटे हैं। तो बेसिकली हम चढ़े थे फरीदाबाद से, कि अगर आप गुड़गांव से भी चढ़ोगे तो उतने ही लगेंगे क्योंकि सेम डिस्टेंस है। बाकी ये रोड आपको कोटुन तक ले जाती है, तो कोटुन से आगे हमें कहाँ जाना है वो हम आपको धीरे धीरे बता दे रहेंगे। तो गाइस हमने ये सिंगल, आई गेस हम लोग इस सिंगल रोड से चलते आ रहे थे और फिर यहाँ पे हम कोटा जयपुर वाले हाईवे पे अभी हम चढ़ेंगे। तो पहले मैं जीपीएस में देख लूँ फिर आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ से ये लेफ्ट टर्न हम ले रहे हैं, जो कि ये हाईवे मिल जाएगा हमको दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे। तो डीवी एक्सप्रेसवे से जब हम उतरे हैं वहाँ से हमें कुछ भी अच्छा कुछ ढाबा हवा टाइप का नहीं मिला, सब ऐसे ही लोकल से बने हुए हैं। बाकी इस हाईवे पे थोड़ी बहुत उम्मीद है कि कुछ अच्छा मिल जाएगा तो रुक के चाय वाय पी लेंगे, बाकी कुछ अभी तक अप्रोप्रिएट लगा नहीं हमें, तो हम रुके भी नहीं। और रात का भी टाइम हो रहा है, 2:36 हो रहे हैं, तो इस वजह से भी नहीं रुके क्योंकि हर जगह नहीं रुकना चाहिए यार रात में, अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा देख के रुकना चाहिए। तो गाइस फाइनली हम लोग रुके हैं इस ढाबे पे और थोड़ी सी नींद आ रही थी तो सोचा यार थोड़ा चाय पी लेते हैं, चाय से नींद चली जाती है। और बस अभी तो बहुत दूर जाना है, 300 किलोमीटर और बचा है, बंदी और फोन कर रहा है यहीं रुक जाए, लेकिन यहाँ भी कोई जुगाड़ नहीं है यार। गाइस अब आप देख सकते हो कि ये हल्के हल्के पहाड़ जो अरावली हिल्स के, राजस्थान के जो पहाड़ हैं वो हल्के हल्के दिखाई दे रहे होंगे आपको, पता नहीं कितना क्लियर दिख रहा होगा, बट मतलब अभी तो टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे हैं। और चीज़ मेरे को आपको बतानी थी कि यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक है जो भिल, आई डोंट नो क्या नाम है, मैं अभी स्क्रीन पर डाल दूंगा वो नाम, एक है वहाँ से होता जाता है, एक दूसरा है जो चित्तौड़गढ़ से होता हुआ जाता है। तो हम बेसिकली चित्तौड़गढ़ से होते हुए जा रहे हैं क्योंकि हमने पीछे पता किया था कि कौन सा रास्ता बढ़िया है, तो हम वहाँ से होते हुए जाते हैं, तो उसका भी एक्सपीरियंस बताएंगे आपको कि वो कैसा है। तो अगली बार आपको हेल्प मिलेगी कि अगली बार अगर आप जाओगे वहाँ से तो आपको कौन सा रूट चुनना चाहिए। शायद अब पता नहीं आपको कितना दिख रहा होगा, तो यहाँ एक सामने एक पहाड़ है और उसके अंदर एक टनल बना हुआ है जिससे हम अभी जाने वाले हैं।
गाइस, ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं ये सीधा कोटा निकल जाता है और हमें चित्तौड़गढ़ की तरफ जाना है, तो वी विल टेक अ राइट फ्रॉम हेयर और सीधा हम पहुंचेंगे चित्तौड़गढ़। और जैसे आप देख सकते हो एक रोड जाती है जो कि भिलवाड़ा की तरफ से जाती है और एक रोड जाती है तो चित्तौड़गढ़ होते हुए जाती है। सो वी आर गोइंग फ्रॉम दिस रोड एंड काइंड ऑफ लोनली ओवर हेयर, तो देखते हैं आगे। तो गाइस, जब भी आप ये उदयपुर ये चित्तौड़गढ़ वाली रोड से आएंगे तो आपको ये बहुत सारी गाइस मिलेंगी जो आपका वेलकम करेंगी और इनको आप हाय बोलते हुए जाएं जब भी आप यहाँ से आएं। और इन लोग की पार्टी चल रही होती है यार, मतलब रात में, दिन में तो पता नहीं, लेकिन रात में इन लोग की पार्टी चल रही होती है मस्त, तो इनको डिस्टर्ब ना करें और साइड से निकल जाए। लो, कैमरा भी गिर गया, देख रहे हो कितनी दहशत है गाय की। तो बढ़िया है, मतलब ये लोग अपना चिल कर रही होती है रोड्स पे, तो मतलब हाँ यार, इन लोग को नुकसान ना पहुंचाए, आराम से चलाएं गाड़ी, कहीं आप तेजी के चक्कर में कहीं बेचारी गाय को ना चोट पहुंचा दें, तो आराम से गाड़ी चलाएं और इनको एंजॉय करते हुए जाएं आप उदयपुर। ये वाला रास्ता यार मुझे लग नहीं रहा है कि ये बेसिकली है तो उदयपुर का ही, क्योंकि गूगल पे भी दिखा रहा है, बाकी हमने एक दो लोगों से पूछा भी है तो उन्होंने भी बताया है कि ये रास्ता जाता है, बट इशू ये है कि क्या वो आंटी भूत थी। तो इशू ये है कि मुझे लगता है कि यार उदयपुर जैसी बड़ी जगह है तो वहाँ का रास्ता ऐसा तो नहीं हो सकता। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार ये गाय लोग बातें क्या करते होंगे, चुपचाप बैठे रहते हैं आपस में, तो काफ़ी सोच विचार का विषय है। कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि गाय क्या कैसी बातें करती होंगी। और ये रास्ता यार काफ़ी एडवेंचरस है और हॉरर भी है, क्योंकि एकदम अंधेरा हो रहा है और आसपास ऐसे जंगल टाइप का है ना। ये देखो और गाय आ गई, ये अपना मेरे को लग रहा है ये पार्टी ख़त्म करके घर जा रही है। अरे बच्चों, तो इस रोड पे थोड़ा आराम से चलाएं गाड़ी, बाकी तो ये रास्ता साफ है और इसमें टॉल भी लगता है, मतलब कोई खड्डे नहीं है, क्लियर, मतलब अच्छी रोड बनी हुई है। रोड तो बढ़िया है लेकिन पता नहीं यार, मतलब डिपेंड करता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, ये तो हमें नहीं पता है। खैर, अब वो तो ऊपर वाले की दया होती है कि मतलब आप सही सलामत पहुँचते हो कहीं पे। वो तो देखो, रिस्क तो यार हर जगह ही होता है, रात में ड्राइविंग का एक ये भी ड्रॉबैक है एक तरीके का, है ना, बट स्टिल क्या करें यार, फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टिल हम उसी रोड में हैं अभी तक, और अभी एक टोल पड़ा था तो उन्होंने हमें बताया टोल वाले भैया ने कि आगे 7 किलोमीटर बाद ये रास्ता नेशनल हाईवे पे जाके जुड़ जाता है, तो मिल जाता है। तो बेसिकली अगर आप रात को इसको अवॉइड कर सकें तो करिए, बट अगर आप यहीं रहने वाले हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा, तो कमेंट में बता सकते हो कि यार ये रास्ता सेफ है या नहीं। हमें तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम तो आराम से आ गए, क्योंकि बीच बीच में कोई गाँव भी पड़ते हैं, तो आई डोंट थिंक कि ये रास्ता इतना डेंजरस है। बट आप अगर आप यहाँ से हैं, कोई देख रहा है जो यहीं का है, तो वो हमें बता देगा तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी हमारी ऑडियंस।
मॉर्निंग गाइस, और यहाँ पे एक अच्छी सी सुबह हो रही है। हमने अभी ये टॉल क्रॉस किया है और आप देख सकते हो वहाँ हमारी गाड़ी पार्क है और यहाँ पे हम चाय बनवा रहे हैं, पापा बैठे हुए हैं। हम पहुँच चुके हैं उदयपुर। ये देखिए उदयपुर के नज़ारे, और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है और ये पहाड़ तो अलग ही लग रहे हैं यार, एकदम मस्त। टाइम हो रहा है 8:08, तो 11:26 पे हम चले थे और 8:08 तक हम लोग पहुंच गए। तो गाइस फाइनली इतनी मेहनत के करने के बाद हमें रूम मिला है और वो रूम कुछ ऐसा है, थोड़ा सा बिखरा हुआ है। और वॉशरूम मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही नीट एंड क्लीन है और ये वॉशरूम का इंटीरियर है, राइट। एंड दिस इज द बेडिंग एरिया, और सबसे मेन इसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है इसका व्यू। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, राइट। ये जो आपको दिख रहा है ये लीला होटल है और यहाँ पे ये इसका पूरा व्यू है। तो गाइस ये है व्यू हमारे होटल की खिड़की से। तो गाइस फाइनली हम हो गए हैं रेडी और हम हो गए हैं तैयार निकलने के लिए। थोड़ा सा रेस्ट किया हमने और अभी बस निकलेंगे यहाँ से और हम जा रहे हैं मॉनसून पैलेस। तो यहाँ पे मॉनसून पैलेस करके है, यहाँ पे सजेस्ट किया है मुझे किसी ने, तो अब हम वहीं जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको मॉनसून पैलेस में। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं मॉनसून पैलेस के लिए, जो कि मॉनसून के लिए जाना जाता है। और रुको यार एक सेकेंड, एक गाना बंद करूँ। हाँ, तो बेसिकली हम यहाँ से हमारे होटल से सीधे रास्ता था, तो यहाँ से एक राइट को रास्ता कट जाता है जो कि हमने लिया है, और बाकी इस पे सीधे सीधे चलना है और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, तो आपको भी बताते हैं। वैसे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यार, मतलब एकदम ही क्या बोलते हैं कि घूमने वाला है। उदयपुर में अगर आए हो और मौसम अच्छा हो गया तो समझ लो आप बहुत किस्मत वाले हो। गाइस फाइनली हमने एंट्री कर ली है, एक गेट आता है उसमें आपको कितने लोग हैं आपके, 155 रुपीस पर पर्सन के हिसाब से आपको एंट्री देनी पड़ती है और आपको गाड़ी की भी देनी पड़ती है, जो कि हमने 300 रुपीस दिए हैं। गाड़ी की 300 है, टू व्हीलर की मैं आपको जाते जाते बता दूंगा क्योंकि मैंने अभी देखी नहीं। तो गाइस एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि जिनके पास गाड़ी नहीं है या फिर टू व्हीलर नहीं है उनके लिए यहाँ पे टैक्सी मिलती है, गेट पे खड़ी रहती है, तो उससे आप आ सकते हो। बाकी ये पहाड़ आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है और एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी। एक्चुअली बारिशों में और ज्यादा निखर जाता है क्योंकि जो मिट्टी और ये सब जमी रहती है ना, तो वो साफ हो जाती है। तो गाइस आप पीछे के नज़ारे देख सकते हैं कितने प्यारा लग रहा है, और हम लोग निकले हैं यहाँ पे, मेरे इसके आगे ओस जम रखी होगी। बाकी हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बाकी नज़ारा अच्छा लगता है इसलिए हम रुक गए यहाँ पे। तो हम लोग थोड़ी बहुत फोटोज वोटोज खिंचवाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे और यहाँ का व्यू मैंने आपको दिखाया है, बट मैं एक और व्यू आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए गाइस कितना प्यारा व्यू है, और मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये पूरा उदयपुर सिटी का व्यू है, प्लस लेक भी आपको दिख जाएगा यहाँ से। ये देखिए कितना प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, और ये पहाड़ इसकी अलग ही ब्यूटी है, एकदम ग्रीन ग्रीन जंगल, पूरा अमेजोन की जंगलों की तरह लग रहा है। ये पूरा 360 व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका। तो जी पहुँच गए हैं हम ये सज्जनगढ़ का नाम याद आ रहा है मुझे बार बार। तो हम लोग पहुँच गए हैं इस वक्त सज्जनगढ़ के किले पे,
और यहाँ पे पार्किंग है, पार्किंग के लिए हमने गाड़ी लगा दी। और बाहर आप देख सकते हो कितना मस्त मौसम हो रहा है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या मस्त हवा चल रही है, और पीछे आप मौसम देखो यार, ब्यूटीफुल अल्टीमेट। आगे से दिखाता हूँ, पापा ने आज हिम्मत करके कुछ हो गया यार, हवा बहुत चल रही है, मैं अपना माइक नहीं लाया हूँ। तो बालों की हालत देखिए कि क्या हालत हो रखी है बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, तेज हाइट पे है ना, हाइट पे हवा चल रही है। और ये देखो बादल आ रहे हैं, इससे पहले कि ढक जाए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है यार, यहाँ से अलग ही व्यू है, पूरा शहर दिखता है यहाँ से, और इवन अगर रात में तो और भी प्यारा दिखता होगा, बट दिन में हम लेक्स देख सकते हैं। ये लेक है जो आपको दिख रहा है, राइट, ये शहर है पूरा, यहाँ पे पहाड़ हैं, मतलब इतने ऊंचे पहाड़ नहीं है इसलिए बहुत प्यारे सीन लग रहा है। बाकी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है और ये वो फोर्ट है जहाँ पे हम जाएंगे। मम्मी पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि काफ़ी ऊपर चढ़ना है ना, और हाइट भी है एल्टीट्यूड की वजह से, तो अभी हम ही लोग जा रहे हैं ऊपर, और मौसम बहुत अच्छा हो गया है यार, एंजॉय कर रहे हैं। हेलो बोलो, हेलो हेलो तो बस अब ऊपर जा रहे हैं, और आपको यहाँ मतलब हर एक पॉइंट से अलग ही व्यू आता है, और वो व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यार यहाँ से सनसेट अलग ही आता होगा, एक बार तो बनता है यहाँ का सनसेट यार। हम लोग शिफ्ट हो गए हैं 0.5 पे ताकि आपको वाइड एंगल से सब कुछ दिखे। बाकी यहाँ से एंट्री हम वहाँ से करते हैं, और ये दो दरवाजे हैं, बाकी ये इसका रोड मैप है, और ऊपर काफ़ी चमगादड़ के वो बने हुए हैं, यहाँ पे चमगादड़ रहते हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं। और यहाँ से आप जैसे ही एंट्री करोगे तो महाराजा सज्जन सिंह, एक्चुअली ये सज्जनगढ़ की हवेली है, तो महाराजा सज्जन सिंह की ये मूर्ति आती है, और ऐसे कुछ दिखते हैं ये। बाकी ये पेंटिंग है इधर, और किला है, ये बर्ड है कोई, अब इसका पता नहीं क्या सीन है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी, मतलब अच्छा तो नहीं है, अच्छा तो नहीं करेंगे कहेंगे, बट एक आर्ट है जो कि आप पसंद कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, हम और आगे, तो यहाँ पे यही सब जानवर बेसिकली जो इनका लाइफ साइकल्स रहता है, इतना एकदम रियलिस्टिक लग रहा है ये, देख सकते हो, डरना मत प्लीज। और ये इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये बादल हैं और ये हमारे सामने से उड़ रहे हैं और हमारे पास ही आ रहे हैं, ये पता नहीं कैमरे में दिखेगा या नहीं दिखेगा बट ऐसा है थोड़ा सा और जूम करता हूँ, तो बालों का ध्यान रखते हो यार,
कुछ ऐसा कुछ बैंड वैंड लेके आए ताकि आपके बाल ना उड़े। बाकी यहाँ पे तो इतना ही कुछ था, जितना कुछ था आपको दिखा दिया। एक और चीज़ रह गई, एक जगह रह गई थी मैं आपको दिखा नहीं पाया। यहाँ से ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं, काफ़ी डरावनी सी सीढ़ियाँ हैं। अगर आपने प्रिंस ऑफ पर्शिया खेली है तो उसमें आपको आपने ये सीढ़ियाँ एक्सपीरियंस करी होंगी। बाकी काफ़ी अंधेरा है यार, और मैंने काला चश्मा भी लगा रखा था तो यहाँ से भी कुछ व्यू आता है शहर का, आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे एक और ये कोई डेमो बोल सकते हैं या फिर ब्लूप्रिंट एक रखा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एज ट्राइबल विलेज। इसके बारे में आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लंगूर भी बैठे रहते हैं, मैंने सोचा आपको दिखाता हूँ फॉर जस्ट फॉर जनरल नॉलेज के कभी कुछ यहाँ पे आए तो हाथ में लेके ना आए, नहीं तो वो लोग छीन लेते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं अपनी बेसिकली लोकेशन से, जो कि सज्जनगढ़ फोर्ट है, और यहाँ से आप देख सकते हो नज़ारा कितना ही प्यारा है। और लाइटिंग्स यार, थोड़े से शाम हो जाती है तो और प्यारा लगता है। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जब लाइट्स ऐसे जलती हैं तो देखिए कितना प्यारा लगता है। ये देखिए लाइट्स और ये लेक, और ये बहुत ही अलग, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ना यार, अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट। ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ लेकिन अंधेरे में थोड़ा सा आपको दिखा सकते हैं। बाकी ये रही अपनी गाड़ी,